नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीप सी ऑफ विजडम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की 6th यूनिट भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था का टॉपिक भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। दोस्तों, वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। कब 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया? इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसे केंद्रीय स्तरीय सरकार, दोस्तों, ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिकरण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएं आदि। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली जवाबदेह बनाया गया। कार्यपालिका है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करना था। गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। नेक्स्ट है विधानमंडल में सुधार। द्विसदनी विधानमंडल अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा यानी लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और उच्च सदन या राज्य परिषद, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट शामिल थी। नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था, लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को
सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था, लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था। निम्न सदन की संरचना इस प्रकार है। निम्न सदन में 145 सदस्य थे जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। निम्न सदन में 145 सदस्य थे जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। 41 मनोनीत यानी 26 आधिकारिक और 15 गैर सरकारी सदस्य, 104 निर्वाचित, 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 विशेष। उच्च सदन की संरचना की बात करें तो उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था। 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित, 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य। वायसराय की शक्तियों, वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था। उसे बैठकों को आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का अधिकार प्राप्त रहा। विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का था जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकता था। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां, केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकार पर अप्रतिबंध नियंत्रण प्राप्त था। केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, चाहे वे भारत से हो या नहीं। केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध की बात करें तो केंद्रीय विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, जैसे मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले। भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रांत स्तरीय सरकार के बारे में। विषय प्रांत स्तरीय सरकार, इसमें वे मामले शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि। द्वैध शासन की शुरुआत, इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली, दो व्यक्तियों पार्टियों का शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया, जिसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। विषयों का विभाजन इस प्रकार हुआ। विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची में शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा
नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। एक बार फिर समझेंगे इसको हम। विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, कौन कौन सी? आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची में शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। नेक्स्ट है, इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। सभी महत्वपूर्ण विषयों को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में शामिल किया गया। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद, शुल्क आदि विषय शामिल थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। हस्तक्षेप पर प्रतिबंध की बात करें तो भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे। भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों जैसे रिजर्व सब्जेक्ट्स के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विधानमंडल में सुधार, प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदें बजट को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता थी। गवर्नर की शक्तियाँ, गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी। गवर्नर को विधायक पर वीटो शक्ति का अधिकार था तथा वह अध्यादेश जारी कर सकता था। अधिनियम का महत्व, भारतीयों में जागृति। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। इससे भारतीयों के राष्ट्रवाद और जागृति की भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। मतदान के अधिकारों का विस्तार इस प्रकार, भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ जिससे लोगों में मतदान के महत्व के प्रति समझ बढ़ी। प्रांतों में स्वशासन, इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया, इससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया। इसने भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु तैयार किया। अधिनियम की कमियां, जैसे गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार। अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई। सांप्रदायिकता का प्रसार, त्रुटिपूर्ण चुनावी प्रणाली और सीमित मताधिकार लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहे। एक अलग चुनावी प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। मतदाताओं का सीमित विस्तार, केंद्रीय विधायिका में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी गई, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी। मतदाताओं का सीमित विस्तार इस प्रकार हुआ, केंद्रीय विधायिका में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी। प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव, केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी।
मंत्रियों से अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं किया जाता था और गवर्नर द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था उसे खारिज कर दिया जाता था। गवर्नर को अप्रतिबंधित शक्तियां प्राप्त थी, वह अपनी परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे। विषयों का अनुपयुक्त विभाजन, केंद्र में विषयों का विभाजन उचित एवं संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय विधायिका को बहुत कम शक्ति दी गई थी और वित्त पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यावहारिक थे। सिंचाई, वित्त, पुलिस, प्रेस और न्याय जैसे विषय आरक्षित श्रेणी में शामिल थे। अधिनियम के परिणाम जैसे सार्वजनिक प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को निराशाजनक एवं असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की मांग की। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया था। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। शक्ति हेतु संघर्ष, अधिनियम ने भारतीयों और अंग्रेजों द्वारा दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक जारी रहे। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तथा उसने चुनावों में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीती, जबकि बंबई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अवरुद्ध करने में सफल रही। इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नरों को द्वंद्व शासन को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरित विषयों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट अधिनियम। भारतीयों को शांत करने के लिए भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा, क्रांतिकारियों का दमन किया गया, उन्हें फांसी दी गई और जेल में डाल दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई अन्य राष्ट्रवादियों को भी जेल में डाल दिया। सरकार ने अब खुद को और अधिक दूरगामी शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ थी, ताकि उन राष्ट्रवादियों की आवाज़ को दबाया जा सके जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया, हालांकि केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम ने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया, जिसने ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव रखी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये नोट्स का PDF चाहिए हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।